puppy. कल होगा हमारा पतंग महाउत्सव, जिसमें होंगे दो खेल, एक सबसे खूबसूरत पतंग और दूसरा सबसे तेज पतंगबाज। जो पतंगबाज आखिर में सारे पतंग काटेगा वही खिताब पाएगा। तो पूरी तैयारी करके आना बच्चों, काय पोचे। काश मैं ये कंपटीशन जीत पाता। तुम जरूर जीत सकते हो गोपी, तुम बहुत बढ़िया पतंगबाज हो और हम जीत जान से खेलेंगे। पतंगबाज जैसे इनकी पतंग ही कमाल की है, इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमारे लिए भी रुको बोबी। वो देखो वहाँ एक और गुच्छा है। चार्ली, देखो कौन आया है तुम्हें मिलने। अच्छा तो पतंगबाज हो है? हाँ, मगर मेरे पास ऐसी कोई खास पतंग ही नहीं है जिससे मुकाबले में मजा आए। अंकल तुम भूल गए कि तुम्हारे अंकल एक इन्वेंटर हैं और मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी अनोखी चीज बनाई है जो तुम्हें इस साल का पतंगबाज बना सकती है। ये एक अदृश्य माने इनविजिबल पतंग है, जरा ये पहनो। अरे वाह, थैंक्स अंकल। अब देखना मैं कैसे राजू की छुट्टी करता हूँ। ये मुकाबला तो अब सिर्फ चार्ली ही जीतेगा। ये उड़ नहीं रही, गिर रही है।
गोपी पकड़ो उसे, नहीं तो पेड़ में अटक जाएगी। अरे वाह, कितनी खूबसूरत पतंग है, इसकी कारीगरी भी कितनी अलग है, मैंने तो ऐसी पतंग पहले कभी नहीं देखी। किसकी होगी? ये देखो, ये पतंग से धुआं क्यों आ रहा है? यहाँ तो कोई आग नहीं लगी है। चलो चलते हैं। आओ बच्चों, पतंग खरीदने आए हो? अंकल, हमें ये पतंग मिली है, क्या आप बता सकते हैं कि ये पतंग किसकी है? हाँ, चुनिया, वो यहाँ से ऐसी बहुत सारी पतंग ले गया है, शायद उसकी कोई पतंग छूट गई हो। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ रहता है? वो तो नहीं पता, लेकिन वो अभी यहाँ से कुछ पतंगे लेकर गया है, देखो वही रास्ते पर होगा। उसने हाथ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन गुदवाया हुआ है। शुक्रिया अंकल, चलो दोस्तों। मुझे चाली के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मुझे भी। चलो यहाँ कोई नहीं है। बॉस, इस मास्क से बहुत खुजली हो रही है। तो मास्क निकालते हैं, लेकिन फिर हमें कोई गाड़ी या किसी और चीज के पीछे छुप के इनका पीछा करना पड़ेगा, समझे? समझ गए बॉस। पतंगबाज प्रतियोगिता शुरू होती है। एक, दो, तीन, काय पोचे। अरे, मेरी पतंग कैसे कटी? अब आएगा मजा। सबकी पतंग कैसे कट रही है? राजू, ये क्या हो रहा है? सबकी पतंग अपने आप कैसे कट रही है? अदृश्य पतंग बहुत गर्मी है राजू, ये पतंग एक फास्ट फॉल कागज से बनाई गई है, जो सिर्फ एक ही रंग के फिल्टर से नजर आ सकती है। अच्छा, अब समझा। यहाँ क्या खड़े हो, जल्दी ढूंढो मेरी पतंग। मगर जो पतंग, हमें जो पतंग दिखाई नहीं दे रही है, उसे ढूंढेंगे कैसे? आज की प्रतियोगिता बहुत ही खास थी, क्योंकि आज माइटी राजू भी इस मुकाबले का हिस्सा था। सबसे खूबसूरत पतंग की विजेता है जूली। पतंग उड़ान प्रतियोगिता के विजेता हैं